अब एक सैरेन जी जो नित्य कंस के लिए उपटन ले जाने का काम किया करती थी, चंदन ले जाने का काम किया करती। भगवान को दो चीजें बहुत प्यारी है, पहला वंदन और दूसरा चंदन, ये भगवान बहुत पसंद करते हैं। पर यहां बहुत कम लोग हैं चंदन है। देखो चंदन की बिंदी प्रत्येक भगवान के भक्त को लगानी चाहिए माथे पर बिंदी, और इससे एक नहीं अनेक फायदे होते हैं सज्जनों। तिलक हर वैष्णव को लगाना चाहिए, पर लोग बाग आजकल तिलक लगाने में भी शर्म करते हैं कि लोग बाग हमें भक्त समझेंगे। इसका हमारा जो धर्म है, प्रत्येक धर्म का कोई वैज्ञानिक कारण भी है। जितने भी काम है हमारे धर्म में, ऋषि मुनियों ने जो भी जोड़े हैं, इसका मूल कारण कुछ वैज्ञानिकता के आधार पर भी है। और तिलक प्रत्येक सनातनी को लगाना चाहिए सज्जनों। पहला, अगर आप तिलक लगाओगे ना तो तिलक लगाने से ठाकुर जी की स्मृति बनी रहेगी हमेशा, और जब ठाकुर जी की स्मृति बनी रहेगी ना तो ये तिलक लगाया हुआ तिलक हमेशा ब्रेक का काम करेगा, गारंटी की बात है। तिलक लगाकर आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, मानो यहां एक ब्रेक का काम करेगा। पहला। दूसरा, प्रकृति के मध्य भगवान नारायण का स्थान है। अगर आप रोज भगवान की पूजा कर पाओ ना कर पाओ, केवल प्रकृति के मध्य भाग में चंदन का तिलक लगाने मात्र से भगवान नारायण की पूजा हो जाती है साहब, इसे तिलक लगाना चाहिए। तीसरा, तिलक लगाने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, तभी तो माताएं यहाँ बिंदी लगाती। पुराने जमाने में माताएं बड़ी बड़ी बिंदी लगाती थी, अब तो धीरे 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 हटते 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 वो बिंदी बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी हो गई। पर बिंदी पहले माताएं लगाया करती थी, मानो ये सौभाग्य का प्रतीक है। चौथा, तिलक लगाने से स्फूर्ति आती है, मानो पहले की जो क्षत्राणियां हैं अपने पतिदेव जी को जब युद्ध के लिए भेजती ना तो सबसे पहले तिलक लगाकर ही विदा करती, मानो तिलक लगाने से स्फूर्ति आती है। पांचवा, तिलक लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है, तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। तभी तो जब पंडित जी महाराज आचार्य जी जब पूजन करवाते हैं तो भगवान के तिलक से पहले यजमान का तिलक किया जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो यजमान पूजा में बैठ रहा है उसकी पूरी एकाग्रता भगवान की पूजा में लगी रहे, इसीलिए तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। जिसका मन ज्यादा भटकता है उसे तिलक लगाना चाहिए। तिलक प्रत्येक सनातनी को लगाना चाहिए सज्जनों। कहते हैं सज्जनों, आज कुब्जा जो सैरेन्द्री उपटन ले जा रही थी उससे उपटन मांगा, उसने भगवान को तिलक लगाया, उसकी कुबड़ निकली हुई थी। भगवान ने एक हाथ दाढ़ी पर एक हाथ पंजे पर लगाकर थोड़ा सा टल्ला लगाया, उस कुब्जा को सुंदर स्वरूप भगवान ने प्रदान किया है। बोली कुब्जा उद्धारक भगवान की जय।